नमस्कार दोस्तों, थोड़ा समय हो गया वीडियो अपलोड करने में, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, काली कमली वाला मेरा यार है। देखो, जो भी चीज़ सीखेगा सिंपल तरीके से सीखेगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को स्केल का नॉलेज हो चुका होगा क्योंकि हर गाना अलग अलग स्केल पर गाया जाता है। अब जो हमारा सर का गाना है कीसू सर का, अधिकतर मैं आप लोगों को कीसू सर पे ही गाने अभी सिखा रहा हूँ। जब अच्छे अच्छे भजन से आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे फिर किसी दूसरे ट्रैक पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। पहले हम आपको कीसू सर को सबसे पहले बताएंगे, ये एक कंपोज़र हैं और गायको ट्रैक बनाते हैं, बहुत अच्छा ट्रैक बनाते हैं। तो दो उन्होंने काला कमली वाला मेरा यार है वो यहाँ से लिया है, यानी कोमलनी से, उसको हम कोमलनी मानते हैं। अब इसको कोमलनी अपने सी साथ जब मैंने माना है तब ये कोमलनी है। आपको पता होगा जब ये सा है सा तब कोमलनी आपका ये बना है, लेकिन इन्होंने गाना ही यहाँ से गाया, यानी इसको सिर्फ सा माना है, यानी इसको सा माना है तो ये आपका कोमल रे हो गया, ये शुद्ध रे हो गया, कोमल ऐसे बढ़ता चला गया, ये आपका सरगम ऐसे तैयार हो गया। जैसे कि हारमोनियम में हमने आपको स्टार्ट किया सा, मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि ये स्केल बहुत ऊपर का स्केल है, सिर्फ बजाऊंगा। पता होगा, कोई कठिन बात नहीं है, स्केल पे ही गाने गाते हैं। और ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम किस स्केल से गाना गा रहे हैं और किस स्केल से इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको देखा जाए तो भारतीय संगीत में इसको सफ़ेद एक, सफ़ेद दो, सफ़ेद तीन, सफ़ेद चार, सफ़ेद पाँच, सफ़ेद छः, सफ़ेद सात से स्टार्ट किया है। इसको सफ़ेद सात बोलते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। और इसको वेस्टर्न में देखते हैं तो इसको बी बोलते हैं, ओनली बी, नहीं कोई फ्लैट है, नहीं कोई, ओनली बी। ये आपका कॉर्ड्स इंगित करता है बी फ्लैट। यहाँ से सर ने गाना गाया है, मतलब बनाया है, ठीक है। पहला पॉइंट, में आप ये भी लगा सकते हो, थोड़ा खूबसूरती के लिए। बाकी आप यहाँ से गाएंगे, देखो मैंने यहाँ से इसको माना है सा, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ गिरधर, ओ ऐसे भी कहते हैं ना लास्ट में, लेकिन इसको ओ गिरधर ओ काना वाला कोई टोन नहीं लगाया, सीधे यहाँ से गाना स्टार्ट किया है। जो म्यूजिक बनाया है वो पहला हमने टोन लिया है, अपना अपना तरीके से होता है, इनका जो टोन का बजना बज रहा है वो उस तरीके से बज रहा है। बहुत थोड़ा फास्ट से बनाएंगे तो प्रैक्टिस से ही आपको ये आएगा, जैसे धीरे से लिया छोड़कर सीधे रे यहाँ से स्टार्ट किया बजाना। ये
ठीक, वापस आए। जब जल्दी बजता है तो कुछ अलग पुर निकलता है। धीरे धीरे बजाओ। फिर दूसरा टोन, मैंने लेके ले जाना, फिर हल्का सा इसको टच मारना, फिर ये मारना रे के साथ कोमलगा, फिर सारी सारी, फिर आपका सितार आता है। बहुत सिंपल लगाया। सीधे सीधे यहाँ से लाए रे सा नी, इसको सा माना लेकिन अपने सी हिसाब से चलते हैं। दो बार रे रे, इतना हो गया। फिर आपका तब हारमोनियम आपका बजता है। इतना बजाने के बाद म्यूजिक, पहला पार्ट म्यूजिक आपका सिंथ का, दूसरा म्यूजिक आपका सितार का, फिर आपका गाना बजता है यहाँ से। खूबसूरती के लिए बहुत सी चीज़ें आप लगा सकते हैं। बाकी हम सिंपल आपको इतना बता दिया। फिर आपका आता अंतरा, तो अंतरे के लिए भी एक म्यूजिक बजाया, उसमें सैक्सोफोन लगा दिया। तो सैक्सोफोन जो लगाया वो यहाँ से उन्होंने ता सप्तक के लास्ट में टोन लाया है। ये डाल दिया है ओनली टोन पहला वाला, वन टू, यानी यानी ये ठीक
ठीक है, फिर आया आपका गाना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, दीवाना 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 दीवाना। कला डालते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, खूबसूरती के लिए दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्केल नहीं भटकना चाहिए और स्वर नहीं भटकना चाहिए। लेकिन हमने अपना यहाँ से गाया, मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। फिर दोस्तों वही आ गया, काली कमली वाला श्याम सलोनी तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोनी तू मेरा रिजवार है। हल्का सा मार दिया, मतलब इनको भी कभी कभी कड़ स्वर भी लगा लेते हैं। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, दो काली कमली में, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, आ श्याम सलोनी तू मेरा रिजवार। गाना करिए रिजवार है, यहाँ से रिजवार कहेंगे, यहाँ से कह दिया और खूबसूरती हो गया, ठीक है। श्याम सलोनी तू मेरा रिजवार है, या श्याम श्याम सलोनी तू मेरा रिजवार है। हल्का सा लहर मार देते हैं और अच्छा लगता है, तो प्रैक्टिस करो। कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट में करो, मैं आपका दोस्त भी हूँ, आपका सर भी हूँ। जैसा भी आप वीडियोस को उचित समझेंगे, वीडियो से कुछ सीखेंगे, उस पर कमेंट पे आप भी कोई अच्छा कमेंट करेंगे तो आपको अच्छा कमेंट मिलेगा। जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं वो थोड़ा सावधान रहें, गलत गलत कमेंट ना करें, अच्छा कमेंट करेंगे तो अच्छा पाएंगे, इसलिए कमेंट अच्छा करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें कि ये सर मुझे दिक्कत हो रही, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल तरीके से बताते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं बता देते हैं कि आपको ऐसा ही करना और फिर आप ऐसा ही बजाएं। ऐसा नहीं, किसी कॉपी नहीं कर सकता हूँ मैं, किसी सर का कॉपी नहीं करता हूँ मैं सिर्फ सुनता हूँ टोन। और मैंने इस वीडियो को मात्र 10 मिनट में सुना है और 10 ही मिनट में वीडियो तैयार किया है, क्योंकि मेरा टाइम है वीडियो अपलोड करने का 6 या 5:30 बजे, क्योंकि जो यूट्यूबर होते हैं वो टाइम के पक्के होते हैं। अगर टाइम से वीडियो अपलोड करोगे तो वीडियो का रैंकिंग करेगा, ये यूट्यूब का पहला फार्मूला है। समय के बाद अगर आप करते हो 7 बजे 8 बजे तो कोई महत्व नहीं रहता है, तो टाइम से काम करोगे तो ज़रूर सफल होगे। थैंक यू सो मच, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।